पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर छत्तीसगढ़ से लूट और ट्रक कटिंग का 28 लाख से ज्यादा का माल जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यावरा देहात थाना बेम में तरह छत्तीसगढ़ की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। जिले में आपराधिक कार्यवाही पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस टीम हर संभव प्रयासों के साथ लगातार सफलता अर्जित कर रही है। वहीं पुलिस कप्तान के निर्देशन में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के थाना बेमेतरा में लूट एवं कटिंग के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें लाखों रुपए का माल बरामद किया गया है। पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा द्वारा मामले की सूचना पर ब्यावरा शहर देहात दोनों थानों की टीमों को कार्य में तत्परता से अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ब्यावरा से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। 2021 को खनसरा चौकी अंतर्गत बेमेतरा जिला राजगढ़ में जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में एक लूट की घटना हुई थी, जहाँ पर 392 का मामला दर्ज किया गया था। इसमें एक ट्रक से करीबन 264 बोरी ये जो पान मसाला और गुटखा होता है इसकी बोरियों की लूट हुई थी। मामला दर्ज करने के बाद वहाँ पर विवेचना में लिया गया और उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस में उनके एसपी बेमेतरा के द्वारा संपर्क किया गया और उनकी टीम से सब इंस्पेक्टर साहब चौकी प्रभारी श्री बी आर ठाकुर हमारे यहाँ इन्होंने ब्यावरा थाने में आमद दी। इन्होंने कुछ क्लू जो इनको मिले थे उसके माध्यम से गाड़ी का लोकेशन यहाँ तक ट्रेस किया और उसके बाद उसके बाद हमारे यहाँ से हमने टीम बनाई जो इनकी विवेचना में सहयोग कर रही थी। इसमें अभी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें कई घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है। जो दो लोग गिरफ्तार किए गए उनका नाम है सोनू उर्फ दीपक अग्रवाल और मितेश अग्रवाल। ये दोनों ब्यावरा के रहने वाले हैं। मितेश अग्रवाल के फार्म हाउस पे जो ये गोडाउन बना हुआ है इसमें करीबन जो गुटखा इनके यहाँ से लूटा गया था छत्तीसगढ़ में करीबन 18 लाख रुपए का 152 कार्टन ये गुटखा यहाँ पर बरामद किया गया है। वहीं जब मौके पर हमारी टीम के द्वारा और तलाशी ली गई तो वहाँ पर कुछ रेडीमेड कपड़ों के बंडल मिले जिनकी कीमत करीबन 2,36,000 रुपये है। साथ में 3 मोटरसाइकिलें मिली जिसमें एक TVS अपाचे है बिना नंबर की, एक पल्सर है ये भी बिना नंबर की और एक और काले रंग की पल्सर है जो भी बिना नंबर की है। ये तीनों मोटरसाइकिलें भी कुछ करीब 6 LED TV 125 सेंटीमीटर के ये भी इसमें बरामद किए गए जिनकी कीमत 5 लाख रुपए। इस तरह से टोटल करीबन 30 लाख रुपए का मशरूबा यहाँ बरामद किया गया है। जब इस पूरे मामले में आगे जाँच की गई तहकीकत की गई तो ये पाया गया कि कुछ लोग जो आसपास के जिलों के हैं जो ट्रक कटिंग का काम करते हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिन्होंने ट्रक कटिंग की थी उनके माध्यम से ये माल यहाँ पर बेचा गया था और इनके माध्यम से अन्य जगहों पर इसको बेचा गया। साथ ही जो बाकी का माल जिसमें TV कपड़े और अन्य सामान शामिल है और जो मोटरसाइकिलें हैं इसके बारे में भी ये जानकारी लगी है कि कुछ लोगों द्वारा ये मोटरसाइकिलें ट्रक कटिंग के लिए प्रयोग की जाती हैं और चोरी करने के बाद यहाँ पर माल डंप किया जाता है जहाँ से इसको आगे बेचा जाता है। इस पूरे मामले में SDOP ब्यावरा श्रीमती किरण अहिरवार और थाना प्रभारी ब्यावरा शहर उपनिरीक्षक राजपाल राठौर और उनकी टीम में रजनीश सिरोठिया, LS भाटी, गुलाबचंद धाकड़, देवीलाल दांगी, रवि मौर्य, चंद्रेश कुशवाहा चांदनी और चालक संजय बौथम और देहात ब्यावरा से आदित्य सोनी, विनोद मीना, बने सिंह, परमेश्वर दास, राजेश कोहली, कांता जौहरिया, संजय कुमार, साथ में बेमित्रा का स्टाफ सब इंस्पेक्टर साहब बी.आर. ठाकुर जी, प्रधान आरक्षक अरविंद शर्मा, रविंद्र तिवारी, पुरुषोत्तम कुंभकार, जितेंद्र वर्मा, खेमचंद, लोकेश राजपूत और दौलत वर्मा, इन सबकी सराहनीय भूमिका रही है। अपनी तरफ से हम लोग इनको 10,000 रुपये का इनाम देंगे और क्योंकि लूट का मामला इनके यहाँ भी दर्ज था तो इसमें मैं SP बेमेतरा छत्तीसगढ़ उनसे भी अनुरोध करूँगा अपनी तरफ से कि हमारी टीम को उनकी तरफ से भी इनाम मिला है। अभी इसमें दोनों जो आरोपी हैं उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जैसा कि हमने बताया कि अन्य चोरियों का भी माल हो सकता है तो जिस जिस जगह पर चोरी हुई है उसके संबंध में भी इनसे जाँच कर सर क्या मानते हैं पर कि ये जो आरोपी है तो के हायर करके किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलाते थे या किस तरह का देखा जाता है? अभी ये कहना पॉसिबल नहीं होगा, अभी इनकी रिमांड ली जाएगी। अभी तो हमें जो माल बरामद हुआ है इसमें बेसिकली ये समझ में आया कि कुछ लोग इस तरह के जो घटनाओं में शामिल होते हैं, कई जगह पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप लोगों ने हाईवे पर अलग अलग जिलों में देखा होगा इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके माध्यम से ये माल खरीदा गया है, जो उन्होंने कटिंग करी है उसके माध्यम से ये माल खरीदा गया और उसके आगे बेचने का काम या टिका जिसको हम कहें कि ठिकाने लगाने का काम किया जाता है। अभी ये किस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी था वो अभी जो रिमांड लेंगे उसकी पूछताछ में कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह से इन सब कार्यों को ये करते हैं वो उसके बाद ही कहना पसंद होगा। मुख्य आरोपियों का अभी कुछ अभी आगे की अब हम विवेचना करेंगे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है।
और जो क्लू छत्तीसगढ़ की टीम के पास है वो भी हम लोग शेयर करेंगे, हम उसमें इन्वेस्टिगेशन में हम भी साथ देंगे और इनके भी क्लूज को हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो अन्य आरोपी हैं इसमें उन तरफ भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये लूट की घटना हुई थी सर, तो क्या किस तरह से लूट की घटनाओं को इनने अंजाम दिया था और यहाँ तक ये माल कैसे पहुँचा है? ये जब वहाँ पर माल भरकर अपना राजनांदगांव की तरफ जा रहे थे उसी दौरान इनका कहना है कि एक इनोवा गाड़ी इनके सामने से आई और गाड़ी ने इन्हें रोका और उसके बाद इसकी लूट की घटना हुई थी और ट्रक को कैप्चर करके यहाँ पर लाया गया था। अभी उसमें तब की स्थिति में चार लोग थे, अभी उसमें कौन कौन और शामिल है वो तफ्तीश के बाद ही पता चलता है। कितने लोगों में सर गिरोह में? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।